आज के इस ब्लॉग में हम बिताने वाले हैं पूरे 12 घंटे इस जनरल कोच के डिब्बे में। ट्रेन का नाम है 18415 बड़बिलपुरी एक्सप्रेस और ये ट्रेन बड़बिल से निकलकर 400 किलोमीटर दूर पूरी तक जाती है। अभी जो ये ट्रेन आपको पूरी खाली दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह होने वाली है। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ चल रहे बाकी लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आप इनसे मिलिए, ये है गोविंद और आदेश। वैसे इन दोनों से मैं भी अभी हाल ही में मिल रहा हूँ। ये प्रीतम है, ऑल इन वन कैमरामैन एंड वीडियो एडिटर। और ये है सुमित भाई, और इस ट्रिप की प्लानिंग भी इन्होंने ही की थी। बट इस कहानी में एक ट्विस्ट है। तो दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि हम लोग सब जा रहे हैं पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और हमने इस ट्रेन के दो क्लासेस में अपने टिकट जो है करवा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन में जो दो कंपार्टमेंट्स है, एक जनरल क्लास और एक एसी चेयर कार, और हमने जो है दोनों कंपार्टमेंट्स में जो है अपने टिकट्स करवा रखे हैं। तो पहले हम यहाँ से चलेंगे कटक तक इस जनरल डब्बे में, फिर वहाँ से जो है हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे एसी वाले डब्बे में, और वहाँ से हम लोग चलेंगे पूरी तक। तो सफ़र जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे। तो सफ़र जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा भी आपको बहुत आएगा इस सीरीज़ में। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू बने रहें, चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो एक और ट्विस्ट है हमारे इस ट्रिप में, हमने जो एसी वाले डब्बे का जो हमने टिकट बुक करवाया था कटक से लेकर पूरी तक का, उसमें से जो है 5 में से 3 टिकट जो है हमारे कन्फर्म नहीं हुए हैं। 2 टिकट हमारा कन्फर्म हो चुका है, तो अभी देखने वाली बात है कि उन 2 सीट्स में कौन जा करके बैठेगा और यहाँ जनरल के धक्के कौन खाएगा। ठीक है, तो सफ़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से। और अभी हम लोग जो है डोंगवापो सीट बस पहुंचने वाले हैं, और ये देखो सबको ऊपर स्लीपर देख करके सब सो गए ऊपर चढ़ चढ़ के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग अभी अभी ट्रेन में जस्ट चढ़े हैं, ट्रेन छूटा भी नहीं, और खाने का तैयारी चालू। हम लोग यहाँ पे डब्बे पे डब्बा खुलता है और एक डब्बा भी खुल रहा है। ट्रेन अभी खुला है, लेकिन डब्बे क्या खुले जा रहे हैं। खोले खोले पनीर बटर मसाला। अरे वाह, देख सकते हैं। हाय 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 गाइस, ये रिटर्न का ब्लॉग नहीं है, फूड ब्लॉग है। फूड ब्लॉग है, फूड ब्लॉगिंग चल रहा है यहाँ पे। यही डब्बे पे डब्बा खुल रहा है, ट्रेन अभी तक छूटा नहीं है प्लेटफॉर्म से, और डब्बे पे डब्बा खोल करके हम लोग जो है नाश्ता पेट पूजा में करते जा रहे हैं। खाने पीने का सारा बंदोबस्त हमारे पास। हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोग दर्शन करने नहीं, बाहुबली रोल निकल गया अभी खाने पे खाना निकल रहा है हम लोग। ऐसा लग रहा है हम लोग दर्शन करने, हम लोग पिकनिक पे निकले। तो ये बाहुबली रोल अनबॉक्स हो रहा है अभी, और इसमें से निकल रहा है पराठा। पराठे लेने के बाद नींद लगेगा अलग लेवल का। प्लेटफॉर्म से हम लोग निकल रहे हैं अभी, और हम लोग का जो ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने अपना जो ब्रेकफास्ट खत्म किया है, नाश्ता जो भी किया है, और अभी तुरंत हम लोग का जो चाय निकल गया। चाय बोलो, चाय चाय एक नंबर बना है, पूरा प्योर दूध का चाय है। ठीक है, मजा आ गया। चाय पी लो गाइस, एक बार ये भी दिखा दीजिए। हम लोग का नाश्ता वहाँ पर, अभी अभी देखो क्या क्या निकलेगा। पूरा दुकान आप उठा के लेके आए। नहीं बाद में ये वाला सही रहेगा ना। हम लोग पूरा दुकान लेकर के आए अपने साथ। ये देखो ये राजू का ट्रिक, मजा आ जाएगा इस बार ट्रेन में। तो गाइस हम लोग ट्रैवलिंग के लिए ये पावर बैंक अपने साथ लेके जा रहे हैं। देख रहे हो 50,000 mAh का पावर बैंक है, इससे तो यार अपना पूरा 3 से 4 दिन पूरा 1 सप्ताह सबका फोन चार्ज हो जाएगा। कितना 2 किलो का होगा कम से कम? 1.5 किलो का। 1.5 किलो का ईटा है गाइस, इससे घर बनेगा अपना।
इससे घर भी बना सकते हैं, 1.5 किलो का ईंटा हम लोग लेके जा रहे हैं साथ। गाइस एक्चुअली हम लोग डंगवा पोसी जंक्शन में पहुंचे हैं और यहाँ से हम लोग टीटी से थोड़ा बात करने के लिए उतरे हैं। एक्चुअली हम लोग का जो 3 टिकट कंफर्म नहीं हुआ है एसी वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा बात करना है टीटी से। सोमू भाई उतर के गए हुए हैं और देख रहे हैं क्या हुआ। भुवनेश्वर से खाली हो गया, ये भी तो आ गया। भुवनेश्वर से खाली हो जाएगा पूरा कोच। स्प्राइट बोलिए भैया, स्प्राइट बोलिए, स्प्राइट चाहिए लीजिए। सोनू सरदार वाला सीन हो जाएगा, यहाँ से तो जाएगा भी नहीं, यहाँ से तो जा भी नहीं रहा है। अभी ट्रेन निकलने में थोड़ा सा टाइम है, अभी इंजन चेंज होता है यहाँ से डंगवा पोसी जंक्शन से, तो जा करके हम लोग स्प्राइट लेके आ चुके हैं। स्प्राइट नहीं है सॉरी, 7 अप है, 7 अप है। तो थोड़ा सा डकार मारते मारते चलते हैं। तो अभी काजू कतली खाते हैं भाई। यहाँ पे डब्बा खुलने में देरी नहीं है कि डब्बा खत्म होने में भी देर नहीं है, अभी तुरंत डब्बा खुल रहा है, तुरंत खत्म हो रहा है। इसी के साथ हमारा और एक चीज अनुभव कैमरा है। हम सही में सोचे थे कुछ खाने का चीज निकाल रहा है, हम वहां से दौड़ के उठ के आए, देख रहे तो भाई कैमरा निकाल रहा है। पैसेंजर्स की भीड़ बढ़ती जा रही है और हम लोग देखो यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं, लोटी चोको पाई काजू कतली बर्फी स्लाइस 7 अप। तो गाइस हम लोग अभी कैमरे में 2-4 सूट लिए हैं और ये जो कैमरा है वाईफाई वाला कैमरा है, कोई भी फोन में कनेक्ट नहीं ले रहा है, आईफोन में भी कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सैमसंग में फटाफट से तुरंत कनेक्ट हो गया। आईफोन कुछ नहीं है यार, सैमसंग लो सबको, ये आईफोन बेच दो बेच दो। लोग जो है जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ पे सीट पे बैठ ना पाए। ये लोग जो है जानबूझ के लड़ाई कर रहा था ताकि कोई बैठ ना पाए, अंकल आकर के बैठ गए। तो दोस्तों यहाँ पे खाने के लिए दोनों में लड़ाई हो गया है, कौन खाएगा, जो जीतेगा वही खाएगा, लास्ट बचा हुआ है जो जीतेगा वही खाएगा। गोविंद भाई बोल रहा है मैं क्या, आइए आइए कंपनी दीजिए लोग को। अब 3 हिस्सा होगा, अब 3 हिस्सा होगा। ले गया ले गया ले गया। तो हम लोग सब जनरल में ऐसे नॉर्मली सब हम लोग बैठ के जा रहे हैं, ये दोनों स्लीपर का मजा लेते हुए जा रहे हैं जनरल बोगी में, ना किसी को बैठने के लिए दे रहे हैं ना कुछ, उन दोनों का तो सही है सिंगल सिंगल सीट दोनों को मिल गया। मैं बैठा हूँ इधर ऐसे, इन दोनों का भाई मजे ही मजे, इनके भाई मजे ही मजे। ये हुई ना बात देखो भाई साहब, धक्का मुक्की चल रहा, धक्का मुक्की। सो एक्चुअली अभी हम लोग पहुंचे हैं केवझरगढ़ रेलवे स्टेशन पे। गोविंद भाई क्या हाल है अंदर का? अरे अंदर का देख सकते हैं आप। ये अभी केवझरगढ़ पहुंचे हैं हम लोग और अभी से भीड़ होना चालू हो गया है, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़, पूरा ट्रेन जो है कचाकच भर गया है यहाँ से। और ये स्टेशन है केवझरगढ़, अभी भी जो है लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से। ये सिचुएशन है अभी ट्रेन का, क्या लगता है? ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कई बार ले चुका, मैं इससे पहले भी पूरी जा चुका हूँ, ये तो बहुत ही पूर कंफर्टेबल प्लेस है, ये तो यहाँ पे भी खाली नहीं रहता, यहाँ पर अभी भरेगा, ये भी भरेगा, अभी तो सीजन का टाइम है यात्रा, इसलिए आज जो है ट्रेन बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है। अभी तो फिलहाल जो है थोड़ी अच्छे से हम लोग अभी बैठ भी पा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद तो वो भी नहीं मिलेगा हम लोग को बैठने के लिए। ठीक है अभी हम लोग किचन कर रहे हैं, वो सह ले रहा है, लेकिन हाँ हम लोग ट्रैवलिंग जहाँ तक करेंगे यानी कि पूरी में जहाँ पर ट्रैवलिंग करेंगे उसके बाद उसको किचन करेंगे तो उसका मुंह देखने का लायक रहेगा, इसीलिए हम आपके साथ किचन के साथ जुड़े रहेंगे, प्रीतम के साथ जुड़े रहेंगे, देखते रहिए मुस्कुराते वाला चेहरा प्रीतम झा के साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, आया
हाँ है प्रभु हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुई धक्का मुक्की हो रहा है, गेट उतरे इंसान भर गए, रेलवे पुलिस आकर के उनको डकेल डकेल के अंदर कर रहे हैं। अभी स्टेशन में अनाउंसमेंट हो रहा है कि जिनका जगह नहीं हुआ है वो लोग रह जाए स्टेशन पे ही, क्योंकि रात को 9 बजे स्पेशल ट्रेन है उनके लिए। गाइस स्टेशन वाले हार मान चुके हैं और अब स्टेशन में अनाउंसमेंट चल रहा है कि रुपया रुक जाइए, 9 बजे जो लोकल ट्रेन आएगा उसमें जाइएगा, देख सकते हैं भीड़ कितनी है। भाई ये हालत देखो ट्रेन की, गोविंद भाई कैसा कैसा माहौल, पूरा गर्म है, माहौल पूरा मस्त है, मजा आ रहा है। जनरल बोगी में सफर करके पहली बार मजा आ रहा है, जनरल बोगी में पहला एक्सपीरियंस हम लोग का। अब इसके बाद नहीं आएंगे तो कैसा लगा, हम यही एक्सपीरियंस दिलाना चाहते थे, हालांकि एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया, अपोजिट हो गया है। जय जगन्नाथ। स्टेशन से ट्रेन छूट चुका है लेकिन अभी भी धक्का मुक्की जा रही है और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन सेट किया जा रहा है, स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है लेकिन धक्का मुक्की जा रही है। तो गाइस भीड़ का हाल तो बहुत बेकार है यहाँ पे, हम लोग जो है चाय का मजा ले रहे हैं, है ना, चाय चाय फूल या कटिंग फूल 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 500 रुपये, इतना भीड़ में 500 रुपये। भैया थोड़ा डिस्काउंट करके दीजिए, 499 सितो जी आपका आपका कैंटीन में क्या क्या सामान है थोड़ा दिखाइएगा, उधर पास तक तो कर पहले दे हमें। यहाँ पे चाय के साथ हम लोग बिस्किट का मजा ले रहे हैं, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हम लोग पास में, एक बार भीड़ दिखा दो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से तो हम लोग बाहर निकल के जा भी नहीं सकते, अगर किसी को टॉयलेट वगैरह लगा बाथरूम वगैरह किसी को अगर जाना हो तो सोचना पड़ जाएगा। खैर हम लोग अपना टाइम पास करते हैं, चाय गाइस आगे एसी बोगी में बैठना निकलना कैसे वो पता नहीं, आगे से जाके हम लोग कटक से बोगी चेंज करना है, एसी में जाना है, अब कैसे जाएंगे पता नहीं। दादा आमा क्यों लगबे, गोविंद को बोला। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस वहां से जो है मैं अभी मेरे पीछे कुछ एडी की सीट पे आ चुका हूं, एडी जो है मेरे सीट पे चला गया और इसके बाद जो है अभी नेक्स्ट स्टॉपेज जो है हमारा कटक जंक्शन है और कटक से जो हम लोग अपना कंपार्टमेंट जो अपना बोगी हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग दोनों जा रहे हैं एसी वाले बोगी पे क्योंकि हमारा 2 ही टिकट जो कंफर्म हुआ है एसी का, तो मैं और गोविंद भाई हम दोनों जा रहे हैं एसी बोगी पे। भीड़ का स्टेटस देखो आप गाइस, भाई उधर तो मारपीट चल रहा है, आगे में मारपीट चल रहा है, किसको पीट दिया लग रहा है, इतना चिल्ला रहा है भाई, कतई जहर सीन है यार ट्रेन में, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। गाइस ये सामने वाला बादल आपको भारत का मैप जैसा नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताना मेरे को। तो नेक्स्ट स्टॉपेज जो हमारा कटक रहेगा, कटक में हम लोग अपना बोगी चेंज करने वाले हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिट्टू टाटा टाटा बाय 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 बाय, आ जाना सब पूरी में मिलेंगे। हम लोग गए अभी कटक पहुँच गए तो हम लोग चल रहे गेट के पास, किधर आएगा प्लेटफॉर्म किधर आएगा पहले देख लो, भाई कुछ ये हालत है पूरी ट्रेन का। अरे कौन है गोला मौसा, कहाँ इतने किच किच कर जो गेट पे बस गेट पे पेट में आके हाथ करन ओछन को कोई सीट पाई ले पूरे दिन सीट करन हमें बड़ा टूटा बड़ी हमें बड़ी ये बड़ी साला के बड़विल रो आछो बड़विल रो आछो केम जो हमें बड़विल रो आछो कहीं पूरी जाओ छो हमें भी पूरी और दिखाए बताले पूरी रे हो जय जगन्नाथ कह दिया सीट मिली जय जगन्नाथ जोर रे जय जगन्नाथ बस बहला ना हो। तो एक्चुअली हम लोग कटक से 6 किलोमीटर पहले उतरे हुए हैं, मतलब कटक से 6 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हुए हैं और गोविंद भाई जा रहे हैं सीट देखने के लिए, हम लोग का जो नेक्स्ट बोगी है हम लोग कटक से बैठने वाले हैं C1 बोगी में और C1 बोगी आगे है, गोविंद भाई देखने गए हैं, कटक तो अभी 6 किलोमीटर दूर है, हो सकता है हम लोग यहीं से चेंज कर लेंगे बोगी। फाइनली हम लोग अपना बोगी में कोच में तो आ गए हैं लेकिन अभी कटक पहुंचा नहीं है ट्रेन, इसलिए अभी हमारे सीट पे जो है पहले से पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कटक पहुंचेंगे उसके बाद हमें अपना सीट मिलेगा।
सब मैक्सिमम पूरा खाली होगा। तो दोस्तों हम लोग आकर के अपने एसी वाली बोगी पे बैठ चुके हैं और ये हमारा सीट 55 और 56। एक्चुअली हम लोग को 55 और 45 अलॉट हुआ था, बट हम लोगों ने जो है सीट जो है अपना स्वैप कर लिया है और मैं और गोविंद भाई यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब पता नहीं वो दोनों वहाँ पे, वो तीनों वहाँ जनरल के डब्बे में क्या कर रहे होंगे। क्या चल रहा है वहाँ पे? सब सही है तो? अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वहाँ वहाँ का थोड़ा दिखाइए माहौल, वहाँ का माहौल। बाप रे, गंजियों जी खोल के सब घूम रहे हैं, गर्मी से हाल बेहाल है सबका। हम लोग मस्त एसी में बैठ गए आके। तो अभी जो है टाइम देखो पहले आप, 10:37 हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेन अभी भी हम लोग का पूरी नहीं पहुंचा है, अभी भी बहुत टाइम है हम लोग को। थोड़ा सा अभी स्टेशन के बाहर ही है लेकिन टाइम लगेगा। और ट्रेन डिले कितना है देखो, 2 घंटा 56 मिनट। गाइस फाइनली हम लोग पूरी पहुंच चुके हैं और अभी जो है सब सारे पैसेंजर्स यहाँ से उतर रहे हैं, अभी हम लोग भी उतरेंगे यहाँ से। ठंड से यार हालत ख़राब हो गई है। विंडो देखो आप एक बार, पहले विंडो देखो, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन से बाहर और यहाँ पे जो है दर्शकों के, पर्यटकों के रहने के लिए जो यहाँ पे बहुत सारा बंदोबस्त है, ओडिशा सरकार ने पहले से ही कर रखा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो देखो टेंट, इस तरह के टेंट बना के इन्होंने दे दिए, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। तो गाइज ये जो है शेल्टर बनाया गया है पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे देखो आप किस तरह से लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे आप अपना टिकट जो है टिकट लेकर के और यहाँ पे आप जितनी भी देर हो सके आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं अपना। ये देखो किस तरह से सब सोए हुए हैं। रूम जाना है अपना या यहीं पे सोना है? बाकी मैनेज कर लेंगे, उतना तो रहने का कुछ नहीं, रह सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास में फोन वोन बहुत सारा है, बहुत सारा सामान है, तो रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। रूम हम लोग का हो गया तो हम लोग रूम चलेंगे। फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं बोड़ा दांडो रोड में, यहीं से जो है रथ कल जाएगी, तो हम लोग इसी रोड पे आ चुके हैं। कल जो ये वाला रोड है पूरा कचाकच भर जाएगा, यहाँ पे पैर रखने तक का जगह नहीं होगा। अभी जो सीन कुछ इस तरह का है देख लो आप। भाई पूरी टाइट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लेवल पूरी टाइट है। यहाँ पे मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से मंदिर जो दिखाई दे रहा है, आई होप कि आपको दिखे, मैं जूम कर रहा हूँ बट नहीं, कैमरे में शायद उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, वहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको। टाइम देखो आप पहले, 11:57 बज चुके हैं रात के, और माहौल देख के आपको लगेगा नहीं कि रात के 12 बज रहे हैं। और हमारे ठीक सामने प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर है और उनके 3 रथ, क्या ही अद्भुत सा नजारा है। आप देखो पहले दर्शन कर लो रथ के। लागे महा प्रलय की आसुची मा